तो शिवरी माता ने कहा है कि मैं तो गुणहीन हूँ, ना पढ़ी लिखी हूँ, ना बुद्धि बल है, ना ही कोई किसी प्रकार का मुझे गुण है। तो प्रभु कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति है, और अगर किसी में एक भक्ति भी हो तो उसका भी बेड़ा पार है, और तुम्हारे अंदर तो 9 भक्ति है, तो ये भी एक भक्ति है। आपने भक्ति किया 10 दिन तक, तो ये भी उसको स्वीकार है। आप ऐसे ना समझे कि भाई हम यहाँ आए ऐसे बैठे चले गए, ये जो आपने सहयोग किया है रात को जाग के यहाँ पे रामलीला का मंचन को आपने सहयोग किया है, अपना समय दिया है, तो ये भी आपने एक पुण्य का कार्य किया है। भाई तैयार है कैसे? तो एक दफा फिर प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोल सीता सती की, बोल लक्ष्मण जति की, बोल वीर बजरंग बली हनुमान की, बोल बाबा भजले राम की। हे भैया लक्ष्मण, हे हनुमान जी, आप लंका में जाइए और महाराज विभीषण का राज तिलक करके हमारी सीता को हमारे पास ले आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। देखिए आपके सामने महाराज विभीषण का राज्याभिषेक किया जा रहा है लक्ष्मण जी के द्वारा, और रामचंद्र जी ने तो जैसे विभीषण जी उनके पास गए तो उन्होंने पहले ही शब्द में कह दिया था, आइए लंकेश। हेलो, महाराज विभीषण की जय हो, महाराज विभीषण की जय हो, महाराज विभीषण की जय हो। क्योंकि विभीषण जी वास्तव में एक धर्मात्मा थे, साधु थे, और श्री रामचंद्र जी के नाने भगत भी थे, और आज वही भक्ति उनके काम आई है कि आज लंका के अंदर विभीषण ही रह जाते हैं और उन्हीं को ताजपोशी होती है, लंका का राजा बनाया जाता है। बोली लंकापति महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की जय हो, महाराज विभीषण की जय हो, महाराज विभीषण की जय हो। अरे बारह प्रसाद बांटने की दुकान।